हेलो गाइस, डिजाइन शो यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुकूल कुमार और आज आपके लिए एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। सो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे गाइस, कैसे आप यहां पर टीवी के स्क्रीन पर एक ऐसा मटेरियल लगा सकते हो जो यहां पर काफी रियलिस्टिक इम्पैक्ट देगा। गाइस ये बाकी से थोड़ा सा अलग होगा, इसमें हम नॉइस का यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पर एट द एंड ऑफ वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो के अपडेट है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए आज के एक कमाल का वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस उससे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखा दूं कि ये बेसिक इंटरफेस मैंने क्या-क्या क्रिएट कर रखा है। सो गाइस यहाँ पर जस्ट मैं विंडो के बाहर आपको दिखाऊं तो एक मैंने रेक्टेंगल लाइट लगा रखा है और गाइस ये मैं दिखा इसलिए रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा समझ भी पाए कि कैसे आप यहाँ पर रेंडर में इसका यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सीन वन पर मैं जाऊं तो बस एक नॉर्मल सा इंटरफेस है, इसके ऑल अराउंड और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जैसा कि मैं बिल्कुल 360 में इसको दिखा देता हूं, बस गाइस यहां पर मैंने अभी इतना ही किया इस प्रोजेक्ट के अंदर, बाकी और मैं आगे करूंगा। फिलहाल मेरे को आइडिया आया कि आपको ये पॉइंट बताना चाहिए। सो गाइस यहां पर मैं एसेट एडिटर को ओपन करूंगा और उसके बाद मैं गया मटेरियल्स पर, राइट क्लिक करके जेनरिक पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आप टीवी स्क्रीन यानी कि बेसिकली आप रीनेमिंग जरूर कर लें। रीनेमिंग करने के बाद गाइस यहां पर जो टीवी का स्क्रीन होता है वो ब्लैक कलर का होता है, इसलिए यहाँ पर मैं इसको ब्लैक कलर का ले लूंगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर मैं रिफ्लेक्शन के अंदर जाऊंगा एंड यहाँ पर मैं कुछ सेटिंग्स करूंगा। अब गाइज यहाँ पर टीवी के अंदर पूरी रिफ्लेक्टिविटी आपको वाइट करनी है जिससे कि प्योर आपको रिफ्लेक्शंस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो पाए। उसके बाद IUR की वैल्यू इसको मैं थोड़ा सा कम कर लूंगा, ज्यादा नहीं, बहुत ही मतलब माइनर सा। एंड उसके बाद आपको बम्प पर जाना होगा। चलिए एक बार इस मटेरियल को इसके ऊपर अप्लाई करके इम्पैक्ट देखते कि अगर हम इतना करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। सो गाइज यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका मैं थोड़ा अलग यूज कर रहा हूँ, जैसा कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने बाय डिफॉल्ट जो स्केचअप का मटेरियल होता है ऑरेंज कलर वो मैं यहाँ पर अप्लाई किया हुआ हूँ। अब यहाँ पर मैं टीवी स्क्रीन पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर यूज एज रिप्लेसमेंट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। देन यहाँ पर मैं बकेट टूल लेकर यहाँ पर मैं इसको स्नैप करता हूँ, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर रिप्लेस इन सीन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं रिप्लेस इन सीन क्लिक करूंगा आप देखेंगे आपका जो मटेरियल है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। चलिए मैं टीवी के थोड़े से क्लोज स्क्रीन पर आ जाता हूँ और एक रेंडर शॉट यहाँ पर लेकर देखता हूँ कि अभी हमारा कैसा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है। गाइज यहाँ पर जो मैं सन यूज कर रहा हूँ उसके अंदर मैंने 0.5 यूज कर रखा है और गाइज अभी आप देख सकते हैं आपका जो स्क्रीन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है ये काफी लीनियर वे में लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक मिरर है, बट एक्चुअल में टीवी के ऊपर इतना ज्यादा प्रोपोर्शनेट नहीं होता है। सो वही आज का हमारा मेन मोटिव है कि कैसे यहाँ पर आप सही नॉइस, सही एक तरीका यूज करें जिससे कि एक्चुअल में आपका टीवी का यहाँ पर लुक आ पाए। सो यहाँ पर फिर से मैं टीवी स्क्रीन पर गया एंड इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ और सेटिंग्स करूंगा जो कि बम्प में आपको करना है। सो बम्प के अंदर आपको जाना है, सिंपली यहाँ पर आपको बम मैप पर जाने के बाद आपको लेना है नॉइज ए मटेरियल। नॉइज ए लेने के बाद आपको कुछ भी ऊपर की सेटिंग्स को नहीं छेड़ना, सिंपली बस यहाँ पर जो नॉइज आ रहा है इसके मैं लिमिट को यहाँ पर बढ़ाने वाला हूँ। सो यस यहाँ पर मैं यूज करूंगा करीब करीब इसको 0.5 जिससे कि थोड़ी सी नॉइज यहाँ पर कम हो जाए और यहाँ पर इन्फ्लेक्शन मैं कर दूंगा जिससे कि ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर ज्यादा डेप्थ में आप देख पाए। गाइज यही एक तरीका है जिससे थोड़ा सा आप रियलिस्टिक क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पर गाइज अगर आप देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा ना बाहर शार्पन की तरफ निकल रहा है। हाँ सो अगर उसको यहाँ पर आपको सही करना है तो टेक्सचर प्लेसमेंट के अंदर मैं थोड़ा सा रोटेशन करके यहाँ पर देखता हूँ। ऑल राइट यहाँ पर बहुत माइनर से करेंगे, सो मैं 15 के अप्रॉक्स यहाँ पर ले लेता हूँ और यहाँ पर जो इन्फ्लेक्शन आ रही है वो अब बहुत सही है। इतना करने के बाद गाइज यहाँ पर अगर अब मैं रेंडर करता हूँ तो एक बार देखते हैं कि कैसा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। और एग्जैक्टली अगर आइडिया आपको लेना है तो आप ये स्फीयर देख सकते हो, यहाँ पर आप इसको चेंज कर दोगे फ्लोर के अंदर। तो गाइज यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं फ्लोर में कुछ ऐसा लुक आ रहा है, बट जब मैंने यहाँ पर रेंडर किया तो आप देख सकते हो गाइज ये कुछ अजीब सा ही लगने लगा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अभी हमने इस टेक्सचर का रिसाइज नहीं किया है। यहाँ पर एक ट्रिक है वो भी आप अच्छे से देखिए, बाइंडिंग के अंदर मैं जाऊंगा, ये अभी ऑटो में है, इसको मैं टेक्सचर हेल्पर पर कर दूंगा। टेक्सचर हेल्पर पर करने के बाद
यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पीछे एक जो बॉक्स आ रहा है, कंप्लीट एक बॉक्स का मतलब होता है यहाँ पर कि उसके अंदर एक टेक्सचर है। ऑलराइट, यहाँ पर मैं सिंपली इस मटेरियल को पेंट बकेट टूल से सेलेक्ट किया, टीवी स्क्रीन यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं सिंपली इसके टेक्सचर के साइज को इंक्रीज कर दूंगा, सो यहाँ पर मैं 3 फिट कर देता हूँ। और अब इस बार मैं यहाँ पर एक रेंडर शॉट लेकर देखता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर जो भी मैंने स्टेप्स लिए हैं सेम एज इट इज बस आपको लेना है, मैंने काफी डिटेल में आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आया तो यहाँ पर वीडियो को जरूर लाइक करें। सो गाइस, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो पहले और इस इमेज में काफी ज्यादा फर्क है। यहाँ पर एक सच में टीवी जैसा यहाँ पर इंपैक्ट आपको देखने को मिल जाता है। जैसा कि यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये थोड़ा सा वेव फॉर्म के अंदर रिलीज हो रहा है जो कि काफी स्पेशल है गाइस। यहाँ पर चलिए मैं आपको एक दूसरा व्यू भी आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर जैसे ही आप अपने सीन को शिफ्ट करेंगे या किसी भी और अलग एंगल से देखते हो तो आपको एक नया ही अंदाज में देखने को मिलेगा जो कि सच में काफी कमाल का होता है गाइस। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो वेव्स जनरेट हो रही है टीवी के अंदर वो काफी मजेदार है गाइस। सो होपफुली आपको ये कंटेंट पसंद आया, और अगर कंटेंट आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जब तक के लिए चलता हूं, अगले वीडियो में और कमाल की वीडियोस आपके लिए लेकर जरूर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।